खुदावंद यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में ये सवेरा आपको और सारी दुनिया के सभी लोगों को मुबारक हो। मेरा कहने का मतलब है ये सुबह जो खुदावंद यीशु मसीह के जन्म से ताल्लुक रखती है, उसका जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं है जैसे आम मनुष्य जन्म लेते हैं, जैसे हमने और आपने जन्म लिया है। परमेश्वर के जन्म और आपके जन्म में अंतर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को खुशी से लबरेज कर देने का कारण है और हमारी जिंदगी बहुतों के लिए कई बार दुखों का कारण बन जाती है। ये अंतर है हमारी और परमेश्वर के जन्म के अंदर। हम दुख देते हैं, हम पीड़ा देते हैं, हम कष्ट देते हैं, हम खुशी नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास देने के लिए खुशी है नहीं। एक इंसान किसी दूसरे इंसान को वही देगा जो उसके पास पाया जाता है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास वो पाया जाता है जो हमारी जिंदगी को मसर्रत से भर देने के लिए काफी है, हमारी जिंदगी को तब्दील कर देने के लिए काफी है। ये दुनिया जिसमें हम जीवन व्यतीत करते हैं, सारा समाज जीवन व्यतीत कर रहा है, बुराई के अंदर और परेशानियों और दिक्कतों के अंदर पाया जाता है, दुखों और पीड़ाओं के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा है। बहुत कोशिशें करते हैं, अपने एफर्ट करते हैं, ज्ञान और विज्ञान लगाते हैं, लेकिन उनको किसी तरीके से अपनी इस परिस्थिति को बदल कर देने का कोई तरीका नहीं सूझता। कैसे दुखों से नजात पालें, कैसे परेशानियों से नजात पालें, कैसे बीमारियों से नजात पालें, कैसे हमारी जीवन की समस्याएं जाती रहें, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। और इसी बात को पूरा करने के लिए कि हमारी जिंदगी खुशियों से लबरेज हो जाए, खुदा बाप को अच्छा लगा कि वो अपने इकलौते बेटे को यानी हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। वैसे तो अगर आप खुदा के कलाम पर ध्यान दें तो खुदा ने इंसान को खुशी के लिए ही बनाया था, आनंद के लिए बनाया था। जब उसको बागे अदन में रखा था, खुशियों के साथ वाबस्ता करके रखा था, आनंद के साथ रखा था, अपनी रहनुमाई और अपनी हुजूरी में रखा था, लेकिन गुनाह ने ना सिर्फ हमारी सहभागिता को, हमारी रिफाकत को खुदावंद यीशु मसीह से दूर किया, बल्कि हमारी जिंदगी दुखों से परिपूर्ण हो गई, कष्ट से परिपूर्ण हो गई, समस्याओं से परिपूर्ण हो गई, बीमारियों से परिपूर्ण हो गई। इसलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा आज से 2020 साल पहले, क्योंकि हमारे लिए छुटकारे का कोई भी और तरीका था ही नहीं। और आज भी बहुत से लोग जो गफलत के शिकार हैं, धोखे के शिकार हैं, वो अपने तौर और तरीकों से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अपने ज्ञान और विज्ञान से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वरी योजना है, ये परमेश्वर के तरीके से निर्धारित की जाती है। और तब खुदा के कलाम के अंदर हमारे लिए खूबसूरत वर्क कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 11वां पद और 12वां पद। पहले मैं 11वां पद पढ़ूंगा और उसमें रोशनी डालूंगा। यहां पे लिखा है, एक स्वर्गदूत गरणियों के पास जो अफसुरदा जिंदगी गुजार रहे थे, गरणिये भेड़ों के चरवाहे थे, और चरवाहे कोई बहुत आलीशान जीवन नहीं व्यतीत करते, वो मैदान के अंदर रहते हैं, धूप में रहते हैं, सर्दी में रहते हैं, पीड़ाओं में रहते हैं, ओस में उनका जीवन गुजरता है, बीमारी भी आती होगी, फाकाकशी भी आती होगी। ऐसे हालात के अंदर ये गरड़िए
अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। खुदा बाप अपने प्लान को, अपने छुटकारे के प्लान को जो उसने मनुष्य के लिए बनाया, उसको आज से 2020 साल पहले इंसान के ऊपर आश्कारा करता है। और वो कुछ इस तरीके से है, लिखा है वो उनके पास आया, वो डर गए। अमूमन गुनाह जब हमारी जिंदगी में आता है, ये डर लेकर आता है, भय लेकर के आता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले जब खुदावन्द यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद एक कमरे में मौजूद थे, वहां पर खुदावन्द यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होने के बाद उस कमरे में आ मौजूद हुआ, लिखा है ये चेले डर गए, क्योंकि इंसान जो गुनाह के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा है ये डरेगा, ये भयभीत होगा, ये खौफजदा होगा। और यही तो वजह है आज दुनिया खौफजदा है, हालात से खौफजदा है, परेशानियों से खौफजदा है, शासन के तमाम नियमों से खौफजदा है, प्रशासकीय नियमों से खौफजदा है। नहीं समझ में आता इस खौफ से रिहाई कौन देगा। आज खुदा का कलाम 2020 साल से पुकार पुकार कर हर एक मनुष्य को एक ही पैगाम देना चाहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूत आसमान से भेजा गया हम मनुष्यों के लिए कि उस उद्धारकर्ता को जान ले, उस उद्धारकर्ता को पहचान ले। मरियम से भी जब स्वर्गदूत बात कर रहा था, मरियम भी अचरज में पड़ गई, उसको समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो उस उद्धारकर्ता के सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण कर पाई कि उसके जीवन को इसलिए चुना गया है, उसके शरीर को, उसके गर्भ को इसलिए चुना गया है कि परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का चुना हुआ बेटा आज इस दुनिया में उसके मार्फत से पैदा हो, तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर इसने एक नगमा गाया, इसने एक गीत गाया। और तब लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। जब कोई इंसान उस छुटकारे को समझ जाता है तो बड़ाई करे बगैर रह नहीं सकता। आज हमारी जिंदगी से खुदावन्द की बड़ाई निकलने की आवश्यकता है, खुदावन्द की स्तुति और प्रशंसा निकलने की आवश्यकता है। जो लोग नहीं जानते वो आज भी बेबहरा हैं, लेकिन जो जान जाते हैं कि उनका उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, इसलिए वो बड़ाई करता है। मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। और 47वें पद में लिखा, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। मरियम जो इस दुनिया के अंदर यीशु की मां कहलाई, उसने भी जान लिया ये उद्धार करता मेरे ही गर्भ से इस दुनिया के अंदर आएगा, इसलिए वो आनंद से विभोर हो गई। और आज भी मैं इस पैगाम के माध्यम से, इस पैगाम के वसीले से सारी दुनिया के लोगों को और आप सबको बताना चाहता हूं, उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के रूप में जन्म ले चुका है, और उसको हमारे और आपके स्वयं के जीवन में जन्म लेने की, पैदाइश लेने की आवश्यकता है। वो जबरदस्ती नहीं करेगा। जिस तरीके से मरियम को जब ये समाचार दिया गया, तो मरियम ने अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने गर्भ को खुदावन्द यीशु मसीह के लिए दे दिया। हां खुदावन्द यीशु मसीह, तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे वसीले से जो तेरी योजना है वो पूरी होने पाए। मरियम ने अपने आप को दिया, तो वो कह रही, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। आनंद का विषय है खुदावन्द यीशु मसीह। खुदावन्द यीशु मसीह को जो कोई अपने जीवन में उतार लेता है, उसकी जिंदगी आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। एक समय का जिक्र खुदा के कलाम के अंदर पाया जाता है। एक औरत थी जो कुएं पर पानी भरने के लिए आई, खुदावन्द यीशु मसीह भी वहां मौजूद हो गया, उसके चेले खाना लेने के लिए गए थे। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, खुदावन्द यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा, मुझे पानी पिला। उस औरत ने कहा, तू
यहूदी होकर हम सामरी स्त्रियों से क्यों पानी को मांग रहा है? क्योंकि सामरी लोगों से यहूदी लोग कोई रिश्ता नहीं रखते, उनको छोटी दृष्टि से देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है और तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। वो सामरी औरत कहने लगी, मुझे वो जीवन का जल चाहिए, मुझे तू वो जीवन का जल दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं उस जीवन के जल की बात कर रहा हूं जो मनुष्य के जीवन में से एक नदी के रूप में बह निकलेगा। बाद में खुदा यीशु मसीह वार्तालाप के दौरान उससे कहते हैं कि तू अपने पति को बुला ले। उस औरत ने जवाब दिया, मैं बिना पति के हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, तू बिना पति के है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। अब ये औरत समझ गई ये भविष्यद्वक्ता है। इसके आगे की कहानी को छोड़ते हुए मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो औरत वहां से चली गई और जाके गांव के लोगों को बताया उसने जाकर कि आओ, एक मनुष्य मुझे मिला है जिसने मेरे जिंदगी के बारे में, मेरे गुप्त हालात के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। वो लोग दौड़ करके आते हैं, यीशु मसीह उनसे मुलाकात करते हैं। वो लोग बात करते करते उसको इस बात के लिए रजामंद कर लेते हैं कि उनके साथ उस गांव के अंदर वो 2-3 दिन गुजारे। जब यीशु मसीह वहां गुजार लेता है, उनके साथ वार्तालाप करता है, बहुत सी बातों की चर्चा करता होगा, तब लोगों ने उस स्त्री से कहा और ये कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 42 पद में, उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। खुदावंद यीशु मसीह जिस जिंदगी के अंदर आ जाता है, खुदावंद यीशु मसीह जिसके साथ चंद लमे गुजार लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज दुनिया के अंदर अगर आप दुखों के अंदर, परेशानियों और पीड़ाओं के अंदर, अगर हम अपने दुखों और पीड़ाओं के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमको कोई छुटकारा नहीं मिल रहा, उसका कारण यह है, हमने यीशु को अपने जीवन से नकार दिया है। हम यीशु की बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि यीशु है जो परमेश्वर का अभिषिक्त है। दुनिया की कोई भी तौर और तरीका हमको उद्धार दे नहीं सकता। उद्धार का सर चश्मा आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आ चुका है और वो सर चश्मा है जिसको परमेश्वर पिता ने अभिषेक दिया है, जिसको परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में अभिषेक देकर भेजा है। इसीलिए तो लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, यही क्या है? मसीह है। यही मसीह है, ये मसीह उद्धार करता है। और आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को उस रूप में ग्रहण नहीं किया जिस रूप को लेकर के वो इस दुनिया के अंदर आया था। क्योंकि बाइबल के तमाम वृत्तांत, तमाम उसके रेफरेंसेस इस बात को कहीं प्रमाणित नहीं करते जहां पर उस बालक को कोई मसीह मिला हुआ हो, कोई अभिषेक मिला हुआ हो कि इस दुनिया में आएगा, वो मसीह बनेगा, वो मसीह की तरीके से अपने जीवन को रखेगा, वो मसा किया हुआ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। मसा उसकी जिंदगी के अंदर आता है उसके इस दुनिया में जीवन गुजारने के 30 साल बाद। जब वो 30 साल का हो चुका होता है तब यीशु मसीह उस यर्दन नदी पर जाते हैं जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है लोगों को और इस बात को प्रचार कर रहा है कि तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तब यीशु मसीह वहां पे बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेकर जब ऊपर आते हैं तब रूहे पाक
उनके ऊपर कबूतर की नाई आकर ठहर जाता है और उनका अभिषेक करता है, उनको वो मसा देता है, पवित्र आत्मा के रूप में उनका जीवन मसा किया जाता है। और तब आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये है उसका मसा। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 3:16 के अंदर, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यीशु जो आज से 2020 साल पहले बालक के रूप में इस दुनिया के अंदर आया, मरियम जान गई, लोग जान गए, भेड़ चराने वाले चरवाहे जान गए, उद्धार करता आया है। लेकिन इस दुनिया के अंदर उसका जो मसा होता है, प्रभु यीशु मसीह मसा प्राप्त करके अपने तमाम कार्यों को करे, ये 30 साल के बाद वकू में आता है। और इसी को खुदा ने, इसी मसा की हुए शख्स को खुदा ने सारे जहान का प्रभु भी ठहराया। अभी तो लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। आप अपने ऊपर उसकी प्रभुता को अगर अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं, याद रख लीजिएगा, स्वर्गदूतों का दिया हुआ संदेश आज भी जीवित है, आज भी हमसे पुकार पुकार कर कहता है यही प्रभु है। और ये प्रभु सबका है, सबका प्रभु है। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, ये जीवितों और मरे हुए दोनों का प्रभु है। रोमियो की पत्री 14:9 में लिखा है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा, उसको मरना ही इसीलिए पड़ा ताकि मरे हुओं का भी वो प्रभु कहलाए, और मर के जीवित हो गया इसीलिए जीवित हो गया ताकि जीवितों का भी वो प्रभु कहलाए। प्रभु का मतलब होता है अधिकार, प्रभु का मतलब होता है जो अधिकार हमारे ऊपर रखा गया है, प्रभु का मतलब होता है जिसके पास इतनी सामर्थ हो कि वो हमको छुटकारा दे पाए, हमारी छुड़ौती दे पाए। मरने के बाद मालूम होगा खुदा के कलाम से कि लिखा हुआ है जब वो मर गया तो वो उन कैदी आत्माओं को जो अधोलोक में थी उनको प्रचार करने गया, और लिखा हुआ है उनको छुड़ाकर अपने साथ ले गया। मरे हुओं का भी प्रभु, और हम और आप जो जीवित हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं उनका भी प्रभु कहलाए। प्रेरितों के काम उसके 2:36 में लिखा है, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले। इज़राइल का सारा घराना कौन? इज़राइल का सारा घराना जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, जो लोग यीशु परमेश्वर के लोग हैं वो सारे लोग जान ले। आप में से हर एक जन जिन्होंने यीशु को जान लिया है, सारा घराना जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वो प्रभु भी है, वो हमारे ऊपर अधिकार रखने वाला है, और वो परमेश्वर का मसा किया हुआ जन है। इसके आगे लिखा हुआ है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। 12 में लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है। लोग जानकारी करना चाहते हैं, हमने कह दिया कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मसीह है, वो हमारा प्रभु है, तो बहुत से लोग इस पे ईमान नहीं लाएंगे, वो कहेंगे नहीं हमको तो बताइए, साबित करिए इस बात को कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मसीह है ये साबित करिए, वो हमारा प्रभु है ये साबित करिए। लिखा है इसका तुम्हारे लिए ये पता है, ये गड़िए इसीलिए इसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर पाए क्योंकि इनको एक पता दिया गया था, एक इनको चिन्ह दिया गया था, इनको एक प्रमाण दिया गया था, और ये प्रमाण ये था कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और लिखा है जब ये वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक है जो चरनी में है,
और कपड़े से लिपटा हुआ है। इसलिए वो आनंद मनाते हुए अपनी जगहों पर वापस चले गए। आग बताऊं, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया और वो अपनी सेविकाई को 3.5 साल की सेविकाई को प्रारंभ कर रहा था, तब भी उसे ये मालूम था ये लोग इतने हटीले हैं, इतने जिद्दी हैं कि जब तक ये चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे तब तक ये मुझ पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखिएगा उसका संपूर्ण जीवन 3.5 साल की सेविकाई चिन्ह और चमत्कारों से भरी हुई है। अंधा आया, अंधे को आंख दी, लोग अचरज में पड़ गए, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। बहरा आया, बहरे के कान में उंगली डाली और वो सुनने लगा। लंगड़े आए, लंगड़े चलते फिरते हो गए। यहां तक लिखा है मुर्दे आए और मुर्दे जीवित किए गए। लोग चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई का प्रारंभ ही कानाए गलील में पानी को दाखरस बनाकर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके किया था। लिखा है यूहन्ना 2:11 के अंदर, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तब चेलों ने विश्वास किया जब चिन्ह और चमत्कार दे ली। आज भी तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार दिखाना चाहता है। वो प्रभु है, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मसा किया हुआ है। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हमारे और आपकी तरीके का नहीं है जिसको मसा हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसको परमेश्वर का मसा है। वो जो चाहे वो कर सकता है और उसकी शक्ति की कोई तुलना भी नहीं कर सकता। उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पढ़ लीजिएगा फिलिपियों 2:9-11, यहां लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। उसको वो नाम दिया गया है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। उसको वो नाम बख्शा गया है। और सच बता रहा हूं, खुदा कलाम बिल्कुल सच लिखा है, हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज नहीं मानते लेकिन एक दिन आएगा यीशु को वो नाम दिया गया है कि हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। उसकी प्रधानता, उसका अधिकार हम मनुष्यों के प्रधानताओं और अधिकारों से बढ़कर है। और तभी भी तो इफिसियों की पत्री उसके 1:21-22-23 पद में लिखा हुआ है कि सब प्रकार की प्रधानता, ध्यान देकर सुनिएगा, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा उसे बैठाया गया है। लोग अधिकार रखते हैं अपने जीवन के अंदर, लोग तमाम आसनों पर बैठकर अपने अंदर गौरव महसूस करते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई कमिश्नर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है और सोचते हमारे पास संपूर्ण अधिकार है। मैं आज बताना चाहता हूं आपका अधिकार छोटा है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, आपके सभी अधिकारों से ऊपर है, क्योंकि उसको वो नाम बख्शा गया। लिखा है सब प्रकार की प्रधानता। कितनी प्रधानताएं हैं दुनिया के अंदर, मैंने कुछ एक गिनती की। और अधिकार, कितने अधिकार हैं? और सामर्थ, कितनी सामर्थ है आपके पास, क्या कर सकते हैं? और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में वरन उस लोक में भी लिया जाएगा, उसको यीशु मसीह को बैठा दिया गया। और लिखा हुआ 22 और 23 पद में, सब कुछ उसके पांव तले किया गया। अधिकार वाले लोगों, प्रधानताएं रखने वाले लोगों, तुम्हारे लिए भी खुदा का कलाम है, तुम भी उसके पांव तले कर दिए गए हो और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया। चर्च हैज गॉट हिज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इसका अपना महत्व है,
इसके चर्च के इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता, कमतर नहीं आंका जा सकता। क्यों? ये अधिकार खुदा ने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से चर्च को बख्शा है, क्योंकि इस चर्च का जो शिरोमणि है वो यीशु मसीह है, जो मसा होकर खुदा बाप के पास से आया। उसके पास सारा अधिकार है, सब कुछ उसी के पांव तले कर दिया गया है। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया, अगर तुम COVID-19 की वजह से, कलीसिया के लोगों अपने घर की तमाम परिस्थितियों की वजह से चर्च की इंपॉर्टेंस को अपनी जिंदगी में कम कर रहे हो, तो याद रखना यीशु को कम कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये परमेश्वर की देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये परमेश्वर की परिपूर्णता है कलीसिया, तुम परमेश्वर की परिपूर्णता हो, वो तुम्ही में वो सब कुछ पूर्ण करता है। कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 16 17 18 पद में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, यीशु में जब परमेश्वर ने सारे आलम को बनाया, आओ हम सृष्टि को बनाए, तो उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज हमको कहने की आवश्यकता, खुदा बाप हम तेरे द्वारा, तेरे मार्फत से, तेरी वजह से इस दुनिया में हैं और हम चाहते हैं तेरे लिए रहें इस दुनिया के अंदर, तेरे लिए रहें, मेरे लिए जीना मसीह बन जाए, मेरे लिए परमेश्वर में मरना भी नफा बन जाए। पौलुस रसूल की ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर घर कर देने वाली हो। लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो पृथ्वी की हो, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। ही इज द अल्टीमेट, ही इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों पे प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। आज हमारी स्त्री, तमाम चीजें हिलती हैं, डगमगा जाती हैं, घर गिर पड़ा, परिवार टूटने लगा, पैसा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह को ले आओ अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी प्रत्येक जिंदगी के हर एक कार्य के अंदर यीशु को प्रथम कर दो तो जिंदगी समर जाएगी। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला था और सब बातों में वही प्रधान है। सारी दुनिया जान ले यीशु को वो नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सारी प्रधानताओं अधिकारों सारे शासन के ऊपर है। और वो खुदावन यीशु मसीह ऐसी कुदरत रखता है जो कलीसिया को दी गई है। कलीसिया, अपने आप को कभी तुम कमजोर मत समझना। अगर आप जो कलीसिया में के एक सदस्य हैं, अपने आप को अलग रखते हैं तो कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तभी तो बार बार लोग पीड़ित होते, परेशान हाल होते। क्यों? हमने अपने आप को परमेश्वर की देह से अलग कर दिया। और अगर देह से लगे रहेंगे तो जोरावर रहेंगे, क्योंकि इसका सर तो खुदावन्द यीशु मसीह है। आखिरी बात, पहला पत्रस 3:22 पद, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, विथ फुल ऑनर, विथ फुल अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी उसको जो दी गई थी उसको लेकर के वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। और स्वर्गदूत, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत जो हमारी सेवा करने के लिए कभी कभी दुनिया में भेजे जाते हैं, अधिकारी जो अधिकार लोग रखते हैं, अधिकारी और सामर्थ रखने वाले सामर्थी,
यीशु के अधीन किए गए हैं। अपने ऊपर फखर करने की जरूरत है, घमंड करने की जरूरत है। हम ऐसे खुदा को जानते हैं जो खुदा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर है, जो सारे चीजों पर इख्तियार रखता है। आखिर में कह दूं, दुनिया के हालात, दुनिया की परिस्थितियां, दुनिया के वजूहात, दुनिया के रिश्ते, दुनिया की आकर्षित करने वाली चीजें हमको खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से या उसके साथ जुड़े रहने से कभी भी अलहदा ना कर पाए। यीशु हमारी जिंदगी में अगर सर्वोपरि बना रहेगा, प्रथम रहेगा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत रहेगा, तो जिंदगी खुशियों से लबरेज रहेगी। और दुनिया के अंदर कितनी भी तलातुम हो जाए, कितनी भी आफते आ जाएं, कितने भूचाल आ जाएं, आपकी जिंदगी फिर भी स्थिर रहेगी, क्योंकि उसका सर खुदावंद यीशु मसीह है। अपने आप को कलीसिया के साथ, यानी यीशु की देह के साथ जोड़े रहिए। यह देह आसमान से जमीन पर आई और जमीन पर रहने के 30 साल बाद उसका इसी वजह से अभिषेक किया गया, ताकि वो सबके ऊपर स्थायी तौर पर अपना राज करे, जिंदे और मुर्दों पर अपना राज करे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आज का दिन आप सबके लिए मुबारक हो सके। यीशु मसीह के नाम में मैं ये आशीष आप में से हर एक शख्स को देता हूं, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हुजूरी में बड़े अदब के साथ झुकाएंगे और दुआ करेंगे। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे इंसानी जामा लेने के लिए शुक्रगुजारी वजह लाते हैं। तो इंसानी जामा लेकर इस दुनिया के अंदर आया हमारे लिए, तूने स्वर्ग को छोड़ दिया, आसमान को छोड़ दिया, जमीन पर आ गया। हमारे लिए तूने अपने जान को भी कुर्बान कर दिया, हमारे लिए ही अपने बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है और हमारे लिए ही सारे इख्तियार को अपने हाथ में रखता है। हमको इस बात के लिए ढाड़स देता है, हमको इस बात के लिए पूरा हियाव देता है, हम किसी तरीके से किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर, किन्हीं भी हालात में दिलगीर ना हो, गम में ना डूब जाएं, दुखों में ना फंस जाएं, बल्कि हमेशा हमें याद रहे, मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लोगों का यीशु जिंदा है, उनको आज भी बचाने की सामर्थ रखता है। खुदा सबको बरकत देना, सबकी जिंदगियों के अंदर अपनी खुशी को डाल देना। तेरे नाम से मांग लेते हैं, मेरी छोटी सी मिन्नत को सुन ले और ग्रहण कर ले, आमीन। हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, हम खुदाम की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ, सारी दुनिया के हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।